वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी दोनों लोग आजमगढ़ आए थे और दोनों लोगों ने यही बात कहा कि आजमगढ़ में बहुत क्षमता है और आजमगढ़ को हमको पूरी तरह से एक ऐसा शहर बनाना है कि अभी जो ये देख रहे हैं जितना अभी हुआ है ये तो खाली ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जब आगे 5 साल के लिए हम लोगों को अवसर मिलने जा रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आजमगढ़ जो है वो एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ से हजारों कलाकार निकलेंगे, जहाँ से आपको पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ करके और फिल्में बना रहे हैं। अभी एक लंदन से आए किंग कुमार और उन्होंने आधी फिल्म यहाँ बनाई आजमगढ़ में और उसका जो बाकी का पार्ट था वो लंदन में उन्होंने बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल में 22 फिल्में शूट हुई है यहाँ, मतलब यहाँ 22 मंडल है और 22 मंडल में शूटिंग हो गई। तो पूज्य महाराज जी ने मुझे ये कहा भी था कि आप जो भी काम करेंगे वहीं रह के करेंगे, तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो मेरा आजमगढ़ है कोई एक जगह नहीं, पूरा आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा मैं। और मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जीत के मुंबई जाने वाला नहीं हूँ, मैं आजमगढ़ को ही मुंबई बनाने वाला हूँ। जो जिस किसी को भोजपुरी नहीं आती है उसके जुबान पर भी चढ़ जाता है और युवाओं को लगता है कि हम भी निरहुआ बन सकते हैं जो आजमगढ़ से निकलकर मुंबई जाते हैं, वहाँ अपनी सफलता को तय करते हैं जी। तो वो उन युवाओं का जो सपना है वो आजमगढ़ में भी पूरा हो, इसके लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए कुछ। बिल्कुल एकदम पूरा रोड मैप तैयार है और सबसे बड़ी बात ये बा कि हमार भोजपुरी भाषा जो है ना वो इतना मीठी भाषा है कि हम अगर कहीं कर्नाटक में चल जाएं, बंगाल में चल जाएं, गुजरात में चल जाएं, महाराष्ट्र में चल जाएं तो वहाँ के लोकल लोग भी कहला कि भोजपुरी फिल्म हम भी देखते हैं। तो हम पूछते कि समझ में आता है, बोले हाँ देखते देखते अब सीख गए। और देखिए ये भोजपुरी की मिठास है कि अभी एगो गाना इल रहे जान मरे जान हो मरून कलर सड़िया और ये 1 महीने तक 1 पे ट्रेंड किया है पूरे दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी भाषा का क्रेज़ क्या है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हजारों निरहुआ इसी आजमगढ़ से निकलेंगे, ऐसे जितने कलाकार जो बनना चाहते हैं फिल्मों में जाना चाहते हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं आजमगढ़ में मिलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि यहाँ डबिंग करनी है तो भी आजमगढ़ में हो जाएगा, आपको प्री प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आप, आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आप, आपको शूटिंग करनी है वो भी कर लेंगे, मतलब पूरी फिल्म बनाने का जितना माध्यम है वो सब हम यहीं बना रहे हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कोई फिल्म बनाने के लिए अगर सोचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ में सोचेगा। भोजपुरी का आलम यह है कि आप बताया कि कैसे आपको काउंटर किया जाए, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ूंगा, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़ जब नदी पार करके मैं गया वो ट्रैवल बेल्ट है, वहाँ एक तरफ से दुकानें जितनी थी हर दुकान में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े भोजपुरी के गीत बज रहे थे। तो ये आपके कंधे पे जिम्मेदारी है कि आजमगढ़ और आसपास पूर्वांचल के जो जिले हैं वहाँ के युवा निरहुआ बनने का सपना देख पाए। बिल्कुल, और वो सपना साकार हो रहा है क्योंकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से जब हम लोगों ने मांग रखी तो उन्होंने आजमगढ़ में ही संगीत विद्यालय बना दिया है, जहाँ नृत्य की शिक्षा, जहाँ गायन की शिक्षा, वादन की शिक्षा, सारी शिक्षा यहीं मिल रही है, आजमगढ़ में मिल रही है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी को मौका दिया था लंबे समय तक आजमगढ़ ने, तो उन लोगों ने इसको आतंक का गढ़ बना दिया था, यहाँ माफियाओं को सह देते थे, गुंडों को सह देते थे। पर जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से शुरू होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ एक ऐसा हब बन जा रहा है जहाँ आसपास के हमारे पूर्वांचल के जितने कलाकार हैं उनको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, सबको यहीं काम मिलेगा, सबको यहीं रोजगार मिलेगा और सब यहीं फिल्में करेंगे। दो उम्मीदवार जो जनता इस फर्क को समझे होते हैं। दोनों में एक ही फर्क है
कि हार के भी मैं यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और सब लोग कहने लगे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा हो निरहुआ उसका उदाहरण है। हम लोग हारते हैं तो भी यहाँ रहते हैं, जीतते हैं तो भी यहाँ रह के काम करते हैं, और वो अगर जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं, तो वो भगोड़े हैं, यही फर्क है। सिर्फ आप अपनी सीट तक केंद्रित हैं या पूर्वांचल के जो 14 सीटों पे चुनाव है उस सब पर भी आपने चुनाव प्रचार किया, वहाँ आपको कैसा लगा बीजेपी का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, और अभी तो आज हमारे यहाँ चुनाव प्रचार जैसे खत्म होगा बाकी सीटों पे फिर हम लग जाएंगे जहाँ 1 तारीख को चुनाव है, और हम देख रहे हैं कि जनता में उत्साह इतना है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो आजकल लोग नमस्ते नहीं कर रहे, बोले जय श्री राम। ये मतलब माहौल बदला है देश में, हर व्यक्ति जो है वो राममय हो गया है, और आप देखेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जो बात कह रही है जनता ये पूरी तरह से सत्य होने वाली है, और जनता ये भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। तो हीरो वीरो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है लोगों के बीच रहना, लेकिन आपको लगता है जब आप आजम को छोड़ के मुंबई गए थे और आज उसमें ज़्यादा फर्क आया नहीं है? नहीं, फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मिट्टी में रहने वाले लोग हैं, हमने खेती भी किया है, हमने गाय भी चराया है, और हम यहाँ किसानी करके उसके बाद गए थे, तो वापस जब उसी में आए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी हमसे मिलने आते हैं हमको लगता है कि हमारे चाचा आ गए, हमारे भैया आ गए, हमारी माँ आ गई, हमारी चाची आ गई, मौसी आ गई, सब परिवार ही दिखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, दिक्कत किसको होती है? जो राजा के घर में पैदा हुआ है। वो कहते हैं अखिलेश यादव कि पता नहीं बीजेपी वाले गर्मी में क्यों चुनाव कराते हैं, उनको गर्मी लगती है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पूरा दिन दोपहरिया में पूरा खेत खलिहान में गांव में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं जहां चुनाव हो गया है सबको आजमगढ़ बुला लिया गया है, एक एक घर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है कि कैसे निरहुआ को हराया जाए। क्या इतनी बड़ी चुनौती आपने पेश कर दी है 1.5 साल? बिल्कुल, देखिए जब जो जनता में रह के काम करेगा तो वो तो चुनौती पेश कर देगा, और हम लोग जब 19 में हारे थे उसके बाद भी आजमगढ़ रह रहे थे, और आजमगढ़ की बड़ी मांग थी विश्वविद्यालय, और वो जीते थे और 3 साल में कुछ नहीं किए और भाग गए छोड़ के, और हम लोग पूज्य महाराज जी के पास गए और हमने कहा आजमगढ़ की बड़ी मांग है, यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए महाराज जी, और उन्होंने पास कर दिया। वहाँ से भी कह रहे तुम वहीं हो? हम बोले हाँ महाराज जी वहीं हूँ, शूटिंग वहीं करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, और उनकी ये मांग है वो लेके आया हूँ। तो जो यहाँ रह के काम करेगा वो तो चुनौती पेश कर ही देगा, क्योंकि ये लोग आज भी किस राजनीति में फंसे हैं, वो जो पुरानी राजनीति इनकी थी कि चुनाव में जाओ, जीतो चाहे हारो, प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते हैं आजमगढ़, और फिर चुनाव में दिखाई देते हैं। इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अब ते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाई गिला नेताजी, ये बहुरूपिये हैं, भगोड़े हैं, इनको अब आजमगढ़ एकदम से छोड़ देगा। ये जो आपने जवाब दिया, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, लोगों ने कहा जो कि अब वो अपना घर बना रहे हैं आजमगढ़ में। बनाना पड़ेगा, देखिए अगर राजनीति में आपको रहना है तो राजनीति में आप आए हैं जनता की सेवा करने, आप खाली चुनाव जीतने के बाद भाग जाएंगे फिर आएंगे 5 साल बाद तो ये जनता अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा राजनीति बदल दी है, वो कहते हैं कि आप सांसद बने हैं जी तो आप अपने क्षेत्र में रहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुर्सी खाली करिए, किसी और को मौका दीजिए। जब ऐसी राजनीति प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है तो ये भगोड़े लोग कहाँ टिकेंगे यहाँ। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, गो पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।